बहुत अच्छा है। नॉइज लेवल भी आप चेक कर पा रहे होंगे, फुल स्पीड में मैंने चला रखा है। हाँ हेलो एवरीवन, रिसेंटली मार्केट रिसर्च के दौरान मैं गई थी तो मुझे मकॉय कूलर्स के बारे में पता चला। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट भी निकाला था। तो मकॉय कूलर्स के बारे में जो भी मार्केट रिसर्च मैंने की है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के आसपास वाले एरिया में मार्केट रिसर्च करती हूँ। तो ये जो आप मकॉय कूलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो बरेली के दो शोरूम्स से लिए गए हैं, एलजी शोरूम बरेली और इमेज इलेक्ट्रॉनिक्स बरेली से। मैं आपको भी बतला रहा था मैम, ये मकॉय इसका जो आपका एयर फ्लो वगैरह आपको जो मिलेगा मैम बाकी सब ब्रांड से बेटर, मच बेटर। अच्छा क्यों ऐसा? मैम मैं बता देता हूँ, जनरली हमें एयर फ्लो के लिए क्या करना होता है कि ब्लोअर जहाँ लगा होगा उसमें हमें एयर फ्लो ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो डुअल मोटर के अंदर होता है। मैम इसके अंदर क्या है, सिंगल मोटर के अंदर है और सबसे प्लस पॉइंट ये फैन के अंदर दिया हुआ है मैम। अच्छा इसका एयर फ्लो जो होगा आपको 45 फीट का आपको एयर फ्लो मिलेगा 15 मीटर का वॉल टू वॉल एयर फ्लो। ये डेजर्ट कूलर है? यस मैम, इसमें आपको बहुत सारे मॉडल वेरिएशन मिल जाएंगे इसमें, लेके मेरे पास आपका 45 लीटर से लेके देन मेरे पास में इसका 150 लीटर तक का मैम आपको मॉडल अवेलेबल होगा। अच्छा तो हाँ अभी कितने लीटर का ये? मैम ये वाला तो 100 लीटर के अंदर होगा। अच्छा तो ये 100 लीटर। तो आपने बोला जो फैन है और ब्लोअर दोनों है क्या इसमें? मैम इसमें ब्लोअर का काम ही नहीं है। अच्छा। ब्लोअर का काम इसलिए नहीं कि मैम ब्लोअर क्या होता है उसमें डबल मोटर होने की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है प्लस उसका नॉइस लेवल भी बढ़ जाता है। इसमें क्या है कि फैन के अंदर इसकी खासियत ही है मैम, ये फैन के अंदर है प्लस इसका एयर फ्लो बहुत ज्यादा और नॉइस लेवल कम होगा प्लस मैम इसकी जो मोटर है वो 100% वाटरप्रूफ दी हुई है। इसके जो पंप से अगर पानी वगैरह कुछ भी लीकेज होता है तो उसके अंदर क्या है कि मोटर खराब नहीं होगी। आप अगर दिखाना चाहें तो मैं आपको दिखवा भी देता हूँ मैम इसकी मोटर को खोलकर। अच्छा इसका तो वाटर आउटलेट भी बढ़िया है, यहाँ से ऑन ऑफ कर दिया ओपन हो गया वरना नीचे दिया रहता है। ये मैम इसकी जो मोटर है ये पूरी कवर है आपका, ये पूरी वाटर प्रूफ है आपका। इसमें आप क्या है कि मैम आपका कवर होने की वजह से अगर इसमें कहीं से पंप वगैरह कुछ भी लीकेज होता है तो इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं जाएगा और ये खराब नहीं होगी, ये 100% वाटर प्रूफ। फिर मैम जो इसका ये फ्रेम दिया हुआ है मैम, जनरली आप देखेंगे वो सब आपका लोहे के ऊपर उसकी फ्रेमिंग होती है। अब कोई भी चूहों ने अंदर जाके मैम कोई तार कट कर दिया, कोई तार कट हो जाता है ब्लेड में लग गया कुछ भी तो वो मैम उसमें स्पार्किंग होने लगती है, करंट का डर रहता है, टच कर दिया करंट लगने लगा। ये टोटली फाइबर के अंदर आपको मिलेगा मैम, और फाइबर भी जो क्या है मैम इसकी हाई क्वालिटी फाइबर इसमें यूज की गई है आपका। ओके। फिर जो इसकी मोटर होगी इस ब्रांड के अंदर आपको यूनिक क्या मिलेगा, डुअल मतलब बैरिंग के साथ में मोटर आते हैं। जनरली जितने भी एसी इनके कूलर्स की आपको ब्लोअर हो चाहे कूलर्स के फैन मोटर हो सबकी सिंगल बैरिंग के अंदर मोटर होती है, इसमें डुअल आपको बैरिंग के अंदर मोटर मिलेगी, इसी के कारण से आपका इसका एयर फ्लो ज्यादा होगा। तो ये जो कंपनी है क्या बोला, मकॉय। तो ये जो आप फीचर्स बता रहे हैं क्या मकॉय के सारे कूलर्स में है? यस मैम, ऑल मॉडल्स ऑल रेंज। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट आपको क्या मिलता है मैम, इसीलिए कंपनी जैसे वाटर प्रूफ होने की वजह से इस मोटर की 2 साल की वारंटी दे रही है आपको, 1 ईयर कंप्लीट पूरे प्रोडक्ट की आपको मिलेगी मैम एंड देन 2 ईयर ऑन मोटर और ऑल ओवर इंडिया वैलिड है मैम। ठीक है, सर्विसिंग का कोई इशू नहीं मैम, हम आपको इसके कस्टमर का डेटाज भी आप प्रोवाइड करा देंगे मैम आपका, 100 में से 60 एसी जो कूलर्स है वो ये ब्रांड बेचता है। अच्छा एसीज ब्रांड कूलर के? अच्छा नॉट एसीज। अच्छा तो उसमें क्या है मैम आपका अब इसके लिए क्यों बेचता है क्योंकि मैम इसकी सर्विस देन इसके आपका परफॉर्मेंस, अगर कोई इस कूलर को ले जाए इस ब्रांड को कूलर को ले जाए तो मैम कस्टमर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर किसी को दिलाना है तो वो मांगता हुआ था उस ब्रांड को। तो इसका क्या प्राइस होगा मैम? इसमें स्टार्टिंग रेंज हमारे पास में 9000 से एंड लास्ट मॉडल मेरे पास में इसमें मिल जाएगा मैम 16500 तक का। अच्छा जी, तो और सबसे प्लस पॉइंट इसमें जो आपका हनीकॉम पैड भी है ना मैम वो हाई क्वालिटी पैड दिए हुए हैं आपका। अच्छा। इसके पैड की जो लाइफ होती है आपका मैम, ये पेपर से तो आपका मतलब स्लिम पेपर होता है, ये हार्ड पेपर इसमें यूज किया गया है। स्लिम पेपर क्या होता है वो पानी जो पड़ता है इसमें तो वो बैठने लगता है आपका। हनीकॉम हाँ स्लिम के भी आते हैं जी मैम, तो ये हाई क्वालिटी को उसमें दिया हुआ है तो इसमें बैठेगा नहीं पैड आपका, जिससे क्या होता है कि मैम इसकी जो पैड की लाइफ थी हुई है वो आपका इसकी 4 to 5 years इसकी पैड की लाइफ है मैम, जल्दी जल्दी आपको पैड रिलीज नहीं करने होंगे। देन अगर पैड की जो आप इसकी हम ड्यूरेबिलिटी भी बताते हैं मैम, जनरली क्या होता है वो 4 यहाँ पे स्क्रू लगा दिए जाते हैं चारों कोनों पे जिससे पैड टिका रहता है। इसमें मैम आप इसके वो भी देखेंगे तो पूरा कम्प्लीटली आपका एक अच्छे से इसको पैड को रोका गया है। अच्छा ये? यस मैम, और बिग साइज में इसके पैड्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है ठीक है।
जनीले से आप यहाँ देख पाएंगे, आपका यहाँ पे जो कूलर्स के पैड्स होंगे वो छोटे छोटे पैड दिए होंगे, आप ये देखिए, आप ये बहुत छोटे छोटे पैड दिए होंगे। अब इसके पैड का साइज देखिए, इसमें गैप भी है, गैप भी बहुत ज्यादा होगा और पेपर क्वालिटी भी। अब इसका पैड देखिए मैम, आप कितना बड़ा साइज है इसका। अच्छा तो ये कौन, अच्छा सिंफनी का, इसमें गैप्स हैं जी मैम, और थोड़ा पेपर भी पतला है, समझ गई मैम। तो लोग तो सिंफनी के नाम ब्रांड की, अभी तक ब्रांड का इतना कोई ज्यादा, जैसे जब कोई नए ब्रांड आते हैं ना, मैं पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि हम ब्रांड पे ज्यादा स्विच करते हैं, मगर यहाँ पे आपको फीचर्स, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस उससे फायर बेटर है। और आपका जो प्राइस मनी है मैम वो भी उससे इससे चीप है आपका। अच्छा इसका क्या प्राइस है मैम? अगर इस ब्रांड में आप, ये हमारा 60 लीटर का मॉडल है और 60 लीटर पे आपको पड़ेगा मैम 12,000 के समथिंग का। अब इसका अगर आप 60 लीटर लेंगे 70 लीटर वो आपको आ जाएगा मैम 11,000 का। और सारे फीचर्स इससे 20 होंगे, 19 नहीं होंगे, इससे ज्यादा फीचर्स के साथ, सर्विस के साथ में। आज की डेट में जब से ये ब्रांड हमें रखती है, ये हम सबसे पहले यही बेचते थे आपका हैवर्स। और ये अभी आपको मैंने एयर फ्लो भी आपको दिखा देता हूँ हम चला के। हाँ बहुत अच्छा है, नॉइज लेवल भी आप चेक कर पा रहे होंगे, फुल स्पीड में मैंने चला रखा। हाँ काफी है, आपका भी जो हैंके में ये टावर में कॉटन में, एक कॉटन वाला जो हल्का वाला था मैम वो से आप दिखा रहे थे, उसका आपको लगता है आप इसके सामने हैंड लूज कर दीजिए, अपने हैंड को लूज कर दीजिए, वो आपको लगेगा कि हाँ जैसे हवा में आगे चलता है। ये तो अच्छा है, काफी अच्छा है। आप तो यहाँ पे खड़े मैम, मैं आपसे बोलूंगा आप इधर आइएगा सामने फ्रिज के। तो जैसा कि सर ने मुझे बोला, थोड़ा और दूर पर जाकर इस कूलर के एयर थ्रो को चेक करो, वही मैं कर रही हूँ। हाँ थोड़ा आ रहा है। तो जनरली जितनी दूर पर मैं खड़ी हो गई हूँ जाके, उतनी दूर पर कूलर कोई नहीं रखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पास आ रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रही हूँ लेकिन थोड़ा सा पास में आई हूँ। तो यहाँ पर जनरली हम कूलर रखते हैं, यहाँ से इसकी परफेक्ट हवा आ रही है। एंड लास्ट में मैं कंक्लूजन भी दूंगी कि आपको इस कूलर को क्यों और कहाँ से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस मकॉय कूलर का कंपेयर अदर ब्रांड्स की कूलर से कर रहे हैं, इन्होंने हैबल्स का कूलर भी चलाकर दिखाया और सिंफनी टच भी मुझे चलाकर दिखाया और उसका एयर थ्रो चेक करवाया कि मकॉय से अच्छा है या नहीं, आप खुद चेक करिए। तो अभी ये हैवल्स का निकाल रहे हैं, फिर मुझे सिंफनी टच का एयर थ्रो चेक करवाएंगे। सो मकॉय कूलर से ये अदर ब्रांड्स के कूलर को कंपेयर करा के मुझे दिखा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा हवा का सिर्फ, मगर वो जो फ्लो इसमें देखे थे वो नहीं मिलेगा आपको। ये हैवर्स का मैंने चलाया है, एयर फ्लो में बहुत फर्क आ जाएगा। एक बार सिंफनी का भी वो कर ये ब्लोअर के अंदर होगा मैम। हाँ ये ब्लोअर के साथ है। अब ब्लोअर का तो मैं बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए एयर फ्लो, क्योंकि उसमें डुअल मोटर लगी हुई है, दो मोटर काम करेगी, तो एयर फ्लो ज्यादा होना चाहिए, रनिंग ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ब्लोअर का आपको एयर फ्लो दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलूंगा तो मैं आपको फिर यहाँ पे वो एयर फ्लो दूंगा, बट ये भी एज अ डेजर्ट कूलर काम की कर सकता है। अच्छा, और आपके पास वो मकॉय क्या कंपनी है? हाँ मकॉय क्या कंपनी, मकॉय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अब ये जो कूलर हमारा आता है स्लिम डिजाइन में स्टाइलिश में आ जाता है, किसी की कैपेसिटी चौड़ी और बड़ी होती है, इसको स्टाइलिश मॉडल बना दिया, ये 70 लीटर कैपेसिटी में आता है। हाँ। ठीक है ना, इसमें आपको व्हील लॉक भी आ जाएंगे, टैंक भी इसमें हैवी करा है, ऑटो स्विम का फंक्शन आ जाएगा, और इसमें जो मोटर है आपको डबल वाल बेयरिंग में मिलेगी। सबसे पहली बात जो अदर कंपनी नहीं देती है, हैवल्स में आती है 1 ईयर की, पर मकॉय कंपनी देती है आपको 2 ईयर की मोटर की, क्योंकि इनकी जो मोटर की स्पीड होती है डबल वाल बेयरिंग में होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉपर की मोटर थोड़ी स्पीड, हाई स्पीड की मोटर होती है, वाटर प्रूफ भी रहता है। एक मिनट मैं आपको एक नया चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे कि आपने कूलर तो देखी, बहुत सारी कंपनी के देखे होंगे, बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, इसमें आपका मोटर जो सेफ्टी जो है वो हर कूलर में नहीं आती है, कुछ ही कूलरों में देते हैं। ये देखिए आप, अब इसकी मोटर पर जो है प्लास्टिक का एक कवर लगा दिया है,
ये पानी की से ये बचा रहेगा, ना ही इस पे जंग लगेगी, ना ही इस पे करंट लगेगा, ना ही ये फूकेगी। इस पे तीन चीजों का इसमें आपको फायदा मिलता है। अब समर किंग हो गया, सुपर किंग हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनी हो गई, लाइफ वेट कंपनी का हो गया, ठीक है ना। ये जो कंपनी होती है ये सब चीजें, ये सुपीरियर चीजें नहीं बनाती है, ये इन सबके जो होते हैं ये वाटर प्रूफ कवर नहीं होते हैं। ये मोटर सीधी इसी से अटैच होती है, तो थोड़े दिन बाद कंप्लेंट यही आती है, या तो वो कूलर पंप फूक जाता है, या मतलब बैठ के पानी फेंकने लगते हैं कि भैया आज करंट नहीं आ रहा है, या आज मतलब मोटर नहीं घूम रही है। ये अदर ब्रांड में हो जाते हैं, जैसे उनकी रेंज 6000 की, 6500 की, 7000 की रेंज में इन मॉडलों में कंप्लेंट आती जाती है। अच्छा, तो ये जो है ये कितने, क्या प्राइस क्या है इस कूलर का? हाँ देखिए, इस कूलर की जो MRP आती है डिब्बे पे, जो आपको बॉक्स प्राइस मिलेगा 17,900 रुपए मिलता है, ठीक है। हाँ, सेलिंग प्राइस जो है 13-13.5 तक का है। आप कस्टमर को जो हम देते हैं 11-11.5 की रेंज में दे देते हैं। अच्छा, ये 70 लीटर का? जी 70 लीटर का। अच्छा, आप जैसे कस्टमर कहता है हमको इतनी 70 लीटर की कैपेसिटी की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसमें 50 लीटर का दिखा दीजिए, 55 लीटर का दिखा दीजिए, ये 60 लीटर का दिखा दीजिए, ये हमें बेडरूम में लगाना है, या कहीं ऑफिस में लगाना है, या थोड़ा सा कम जगह में लगाना, तो उसके लिए प्राइस मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। 5000 का कूलर मिल जाएगा, 4500 का मिल जाएगा, 7000 का मिल जाएगा। रेंज बहुत है और फीचर्स सेम रहेंगे, फीचर्स आपको सेम मिलेंगे, मेन चीज कंपनी ब्रांड, ठीक है ना, ये चीज आपको मिलेगी। अब जैसे कि मैंने आपको ये वाला मॉडल देख लिया, ये बहुत अच्छा मॉडल आता है हमारा, ये वाला। अब ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो मॉडल हमारा आता है 85 लीटर में आता है। अच्छा, लीटर कैपेसिटी में बड़ा आता है, इससे और हैवी ड्यूटी मॉडल हो गया ये आपका, ठीक है। इसमें आपका ये लार्जेस्ट टैंक है, ये मजबूत हैवी ड्यूटी टैंक है, क्योंकि 85 लीटर पानी का जो वजन होता है वो ये टैंक की ही करता है, पेयर करता है जो यही टैंक की पेयर करता है। हर कूलर मेन चीज ये नहीं कर पाता है, कोई लीकेज करने लगता है, या कोई यहाँ से पहिए वगैरह टूटने लगता है पानी का, तो ये इन चीजों में, इन कूलरों में ब्रांडेड में ये चीज नहीं आती है। ये है आपको मिल जाएगा। फिर इसमें एक आपको एक नया फंक्शन और मिल जाएगा, एक्टमोक्स। इसमें जो होती है ना कि अंदर जो डस्ट जाती है, ये वाले हनी कैंप पे हमारे ये खराब हो जाता है। हाँ, इसमें आपका ये एंटी करके ये डस्ट मिल जाती है नेट, इसमें आपको खराब नहीं होगा। पानी के स्प्रे से आप बाहर से ही सफाई कर सकते हैं आप। हाँ, ये पूरा ओपन है, आराम से इजीली आप वारंटी के बाद भी घर पे ही खोल के सही कर सकते हैं इसको आप। तो 85 लीटर का है ये? हाँ, ये वाला अपने को आता है 85 लीटर का। तो कितने का है? ठीक है, इससे थोड़ी सी ही रेंज बढ़ जाती है। ये अपने को पड़ता है 11,500 रुपए का, ये वाला अपने को पड़ता है लगभग 12,500 रुपए का। तो इसका ये क्या ओवरफ्लो का है? ये इसका पानी का ओवरफ्लो आ जाता है, आपको पता नहीं पानी आपने छोड़ दिया तो आपको पता नहीं कि पानी भरा या नहीं भरा, या ज्यादा भर गया तो ओवर अपना आप निकल जाएगा। और हाँ, और आपको अगर डायरेक्ट पैप लगाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पैप भी लगा सकते हैं पानी भरने के लिए। और पानी कितना भरा है कितना नहीं है इसके अंदर, वो सब यहाँ पे आपके वाटर लेवल बताएगा। कुछ कूलरों में ये मॉडल में ये फीचर्स नहीं आते हैं, फिर आपको कूलर उल्टा करके पानी निकालना पड़ेगा या मग्गे से निकालना पड़ेगा। समझ गए। अच्छा, और इसमें जैसे पानी निकालने का क्या सिस्टम है? पानी निकालने के लिए एक, जैसे कि आप सीजन ऑफ हो गया, ठीक है ना, आपने ये रबड़ निकाल दिया, रबड़ निकालने के बाद तो पूरे कूलर की साफ सफाई करके दोबारा फिर लगा सकते हैं। कुछ कुछ में ये नीचे आती है। हाँ, यहाँ से आती है, वो प्रॉब्लम करती है। ये बता दीजिए 50 लीटर का मकोय में ये। अब मैं बता देता हूँ आपको इस वाले कूलर के बारे में। देखिए, ये वाली जो कैपेसिटी होती है 50 लीटर की होती है। कुछ लोगों को जैसे 50 लीटर कैपेसिटी में पसंद आते हैं कूलर, ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी में नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटी आपको 50 लीटर की मिलेगी, ठीक है ना। और इसका एयर फ्लो जो होगा वो काफ़ी दूर तक का एयर फ्लो होगा। जैसे 10x10 का कमरा है, 15x15 का कमरा है, तो वहाँ पे आपको ये एयर फ्लो कूलिंग ठंडी करेगा। इसका क्या प्राइस होगा? ये वाला अगर आप लेते हैं तो ये अपने को पड़ता सब नेट सब डिस्काउंट करके आपको 2800 रुपये का। अच्छा, 2800, ठीक है। अच्छा, आप बता दीजिए इसके बारे में। अब मकॉय कूलर्स के बारे में स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट वैरायटीज, लीटर, सब कुछ आपने देख लिया है। एंड आपकी तरह मुझे भी ये कूलर अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में बस यही कंफ्यूजन है कि ये ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है, तो इस
में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। अगर आपको इसकी कूलर की स्पेसिफिकेशन या सब कुछ अच्छा देखकर लगता है कि मैं एक बार एक कूलर लेकर देख लूं या फिर लेना चाहता हूं, तो आप इसके लिए ऑफलाइन विजिट कीजिए, क्योंकि सर्विसिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी कोई मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकती। क्योंकि जब इन लोगों से मैंने पूछा शोरूम्स पे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कूलर लेने वालों को हम सर्विसिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अपने एरिया के ऑफलाइन शोरूम्स पे जाकर एक बार देख लीजिए क्या वो आपको सर्विसिंग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये एक नया ब्रांड है, मुझे इसमें सब कुछ अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको अपने चैनल पर डाला। आप लोगों से में से किसी के पास ये कूलर है मकॉय कंपनी का या नहीं है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑफलाइन विजिट कीजिएगा, ऑनलाइन इसके मॉडल्स तो हैं लेकिन आपको प्राइस उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। ऑफलाइन लेंगे तो कुछ सस्ते भी प्राइस मिल जाएंगे, ऊपर से सर्विसिंग भी आप पूछ पाएंगे। एंड नया ब्रांड ले रहे हैं तो आपको ऑफलाइन जाकर एक बार जरूर चेक करना चाहिए। मैं एकदम से ये नहीं बोल सकती, सब कुछ अच्छा देखते हुए भी नहीं बोल पाऊंगी कि आप ये बाय कर लीजिए, क्योंकि एक नया ब्रांड है, ऑब्वियस सी बात है। ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरी मार्केट रिसर्च थी इस वीडियो में। आगे ऐसे ही वीडियो अच्छे ब्रांड्स के या और भी तरीके के वीडियो मैं शोरूम्स पर जाकर उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर इस चैनल पे डालती रहती हूँ।